चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये एपिसोड शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही रोमांचक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स को क्लिक करके पिछले एपिसोड जरूर देख लीजिए। ओह, ये माँ बेटे दोनों मिल जाएंगे तो मुसीबत आ जाएगी। इससे पहले उस लड़की को सबक सिखाना पड़ेगा ताकि वो आगे कोई और नया खेल ना खेले। लगता है अब विजय राठौर कुछ करने वाला है, पर रितिका तो रितिका है, पूरे प्लानिंग के साथ आगे बढ़े जा रही है। उससे हराना इतना आसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा। मैं तो कब से आप और विजय सर से मिलने के लिए बेताब थी, पर रणविजय की बिल्कुल मत सुनना तुम। आज से जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिले तो प्लीज आ जाना। मैं बहुत अकेली पड़ जाती हूँ घर पे, और तुमसे बात करके मुझे बहुत खुशी होगी बेटी। आखिर तुम हमारी घर की बहू जो बनने वाली हो। ठीक है आंटी, मैं जरूर आऊंगी आपसे मिलने। अरे अनीता, बस ऐसे ही बात करती रहोगी? हमारी होने वाली बहू का मुंह मीठा नहीं करोगी? अरे हाँ हाँ, मैं तो रितिका को देखने के बाद सब भूल गई हूँ। मैं अभी आई, आप लोग बैठिए। रणविजय, तुम्हें मिस्टर मेहता से जो बात करने बोला था वो हो गया? नहीं डैड, आज शाम को कर लूंगा। नो, बिजनेस में कोई भी काम लेट नहीं करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है बेटा। तो मैं मिस्टर मेहता से बात अभी कर लेता हूँ डैड। आई विल बी बैक इन सम टाइम, डैड्स लाइक माय बॉय। अनीता चली गई मिठाई लाने, रणविजय चला गया किसी बिजनेस पार्टनर के साथ कोई डील फाइनल करने। अब लिविंग रूम में बैठे हैं विजय राठौर और रितिका। रितिका, तुम खुद को बहुत चालाक समझती हो, आज से ये सोचना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा किया धरा मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ। आपको क्या लगता है, मैं स्टूपिड हूँ जो अभी तक समझी नहीं कि आप मुझे पकड़ लिए हैं? मुझे पकड़ने के हिंट्स मैंने ही तो आपको दिए हैं। उफ, क्यों कर रही हो ये सब? किसके कहने पर काम करती हो? अपनी सलामती चाहती हो? अभी के अभी ये शहर छोड़ के चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। मैं आपके रग रग से वाकिफ हूँ विजय सर, आपको जो करना था आप वो पिछले 20 सालों से करते आ रहे हैं। अब मेरी बारी। रितिका, दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू। दिस इज माई फर्स्ट चैलेंज टू यू, जो कर सकते हैं कीजिए। वैसे आपका चुराया हुआ बेटा अब मेरे दिखाने पर राह देखता है, और आपकी करोड़पति पत्नी को सब सच बताने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, तो सोच लीजिए। रितिका, दो कौड़ी की लड़की? बस बहुत हो गया, मैं आपको पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद चैन की सांस लूंगी मिस्टर विजय राठौर। आगे आगे देखते जाइए और क्या क्या होता है आपके साथ। सी यू सून मेरे घर पे। हाँ, रितिका ऐसे क्यों बोली? आपका चुराया हुआ बेटा? क्या रणविजय मेरा बेटा नहीं है? मुझे रितिका से मिलना चाहिए। हाँ, ये विजय मुझे कभी सच नहीं बोलेंगे, कभी नहीं। अरे रितिका कहाँ चली गई? वो तो चली गई, उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम याद आ गया। हाँ, ऐसे कैसे चली गई बिना बताए? बेटा, रितिका को बोलना मैं उससे मिलना चाहती हूँ फिर से, वो जितनी जल्दी हो सके मुझसे एक बार आके मिले। ठीक है माँ, बोल दूंगा। हेलो तुलसी आंटी, आप हमारे प्लान के हिसाब से अब तैयार रहना, विजय राठौर जल्द ही हमारे घर आएगा। ऐसे ही 5-6 दिन बीत गए, और एक दिन सुबह
हेलो सर, पता नहीं ये कैसे हुआ, उज्जवल नगर वाली फैक्ट्री में अचानक से पुलिस रेड पड़ी है और उन्हें प्रोडक्ट सैंपल के डब्बे में ड्रग्स का पैकेट मिल गया है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। व्हाट नॉनसेंस, ड्रग्स के बारे में और कौन जानता था, और पुलिस को कैसे पता चला? पता नहीं सर, खुराना सर को कॉल नहीं लग रहा। मैं तो वहां से बहुत मुश्किल से भाग आया हूं और पुलिस जल्द ही आपके पास पहुंच जाएगी। उफ, रीतिका, ये सब रीतिका ही कर रही है। आखिर उससे कैसे पता चला कि मैं ड्रग्स का कारोबार भी करता हूं? कैसे? उस लड़की का फोटो मैंने व्हाट्सएप कर दिया है, याद रहे उसे कंपनी से दूर कहीं मारना, उसके इतने टुकड़े करना कि उसके माँ बाप भी पहचान ना पाए। हो जाएगा सर। क्या आप प्रीतिका को मारने गुंडे भेज रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, तुमने गलत सुना है। मैंने कुछ गलत नहीं सुना डैड, मैं तो उज्जवल नगर फैक्ट्री के बारे में आपको इन्फॉर्म करने आया था, पर आप मेरी रीतिका को? देखो बेटा, आई एम टेलिंग यू, रीतिका बहुत डेंजर है, तुम उसे नहीं जानते बेटा। मैं आपको एक बात सीधा सीधा बोल रहा हूँ, अगर रीतिका को एक खरोच भी आया तो मैं आपके खिलाफ पुलिस का गवाह बनूंगा और इसके साथ वो फोटोग्राफ्स और हॉस्पिटल डिटेल्स भी दे दूंगा। जो ड्रग्स का कारोबार कर सकता है वो तो किसी भी हद तक गिर सकता है। छी। नहीं बेटा, ऐसे मत बोलो, मैंने कुछ नहीं किया, रीतिका को कुछ नहीं होगा बेटा, आई प्रोमिस यू, पर तुम पुलिस को कुछ मत बताना, प्लीज प्लीज बेटा। पापा, मैं बोर हो गई हूँ। अच्छा, बोलो कहाँ घूमने जाना है, शिमला, मनाली, कश्मीर या फिर यूरोप ट्रिप? नहीं पापा, मुझे कहीं घूमने नहीं जाना, मेरा MBA खत्म हो चुका है, अब मुझे जॉब करनी है। जॉब? हाँ पापा, विजय सर से बोल के मुझे उनके कंपनी में एक अच्छी पोजीशन दिला दीजिए ना प्लीज। अच्छा, तो जॉब के पीछे पड़ी है मेरी बेटी। अक्षिता, तुम्हें विजय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में नौकरी नहीं करना है, तुम तो मालकिन बनोगी उस कंपनी की, मालकिन। क्या पापा, आप कुछ भी बोलते हो, हर वक्त मजाक। हाँ विजय बोलो। ये क्या हो रहा है खुराना, आखिर रीतिका को ड्रग्स के बारे में कैसे पता लगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। व्हाट, ये क्या बोल रहे हो विजय? आई डोंट नो, तुम कैसे भी करके उज्जवल नगर मैनेजर के सर पे सब कुछ डाल दो और जरूरत पड़े तो पुलिस को करोड़ों में खरीद लेना, पर मेरे ऊपर कुछ भी नहीं आना चाहिए बस। इतना सारा रायता फैला के मुझे सॉल्व करने बोल रहा है, आखिर मैं इस इंसान का दोस्त बना ही क्यों, हे भगवान। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।